नमस्कार दोस्तों, अगर आपको पैखाना करते वक्त वीर्य निकल जाता हो यानी स्पर्म निकल जाता हो, धात गिर जाता हो, या आपको पेशाब करते वक्त पेशाब के वेग से वीर्य निकल जाता हो, या आपको धात गिर जाता हो पेशाब के वेग से या पैखाना के वेग से धात गिर जाता हो, उसके लिए बेस्ट होम्योपैथिक दवा हम बताएंगे। या बच्चे में हस्तमैथुन किए हैं यानी मास्टर बेसम किए हैं, उसके कारण से अभी लिंग में तनाव नहीं आ रहा हो, लिंग में कड़ापन नहीं आ रहा हो, तो उसके लिए आपको बेस्ट होम्योपैथिक दवा बताएंगे। तो वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, तो बहुत अच्छा लगा। जो हस्तमैथुन करने के कारण अगर कोई बहुत अच्छा पेनिस में इरप्शन नहीं हो रहा हो, जल्दी डिस्चार्ज हो जा रहा हो, ये आपको बार बार नाइट फेल की शिकायत हो रहा हो, जो मास्टर बेसम करने के कारण से, जो बच्चे में आप गलत काम किए उसके कारण से, आपको हस्तमैथुन करने के कारण से या मास्टर बेसम कहिए उसके कारण से, अगर अभी दिक्कत हो रहा हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा हो, तो उसके लिए सिर्फ एक मेडिसिन है, उसको आप यूज करके आप बहुत अच्छा लाभ मिलेगी। उसके लिए एक मेडिसिन है, उसका नाम है सैलिक नाइग्रा। देखिए मदर टिंचर में यहाँ पर हम वीडियो यहाँ दिखा देते हैं। सैलिक नाइग्रा, सैलिक नाइग्रा मदर टिंचर है, SBL का है मेरे पास, हम इसे यूज करते हैं। मदर टिंचर आप 20-20 बूंद आधे कप ताज़े पानी में सुबह दोपहर शाम यूज करिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगी। और इसके साथ में आप यूज करना चाहते हैं तो एसिड फोर्स 30 और चाइना 30 दोनों का बड़ा मात्रा मिला ले, और 3-3 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज करें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दूसरी दवा है सेलेनियम 30 और कैलेडियम 30, उसे भी आप मिला ले और सुबह दोपहर शाम यूज करके बहुत अच्छा लाभ मिलेगी। और सैलिक नेगर तो जरूर यूज करें, क्योंकि आपको हस्तमैथुन करने के कारण से कुछ डिजीज बीमारी हो गया हो। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और एक प्यारा सा कमेंट करें कौन सी टॉपिक पर वीडियो बनाए, क्योंकि आपको जी आप कहिएगा वही टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।